इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपका YouTube चैनल मैनेज करने के लिए आप किसी को इनवाइट कैसे कर सकते हो YouTube स्टूडियो में। इससे पहले मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर आप पहले जो है YouTube स्टूडियो में जाना है, उसके बाद लॉग इन कर लेना है आपको। मैं पहले से लॉग इन हूँ। उसके बाद आपको बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग का, उस सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बिल्कुल नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा परमिशन का, उस परमिशन में आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको राइट साइड में टॉप पर इनवाइट का ऑप्शन जो है मिल जाएगा, तो फिर आपको इनवाइट पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप जिसको इनवाइट करना चाहते हो उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देना है। तो फिर इनवाइट करने के लिए आपको कोई भी जो जीमेल एड्रेस है वो गूगल का जीमेल एड्रेस होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट एक्सेस जो है उस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन जो है मिल जाएगा। पहले आपको जो है मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा। इस मैनेजर पे अगर आप सिलेक्ट करोगे तो फिर मैनेजर जो बनेगा वो आपका कैन ऐड एंड रिमूव आदर्स एडिट एनीथिंग कांट डिलीट चैनल, मतलब वो आपका चैनल जो है डिलीट नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ ऐड कर पाएगा और रिमूव कर पाएगा और एडिट कर पाएगा, लेकिन आपका चैनल को डिलीट नहीं कर पाएगा। उसके बाद अगर आप एडिटर सिलेक्ट करोगे तो फिर वो जो है सब कुछ एडिट कर सकता है और कुछ ऐड और रिमूव नहीं कर सकता है, ठीक है। और आपका चैनल में चैनल का वीडियोस भी डिलीट कर सकता है और चैनल भी डिलीट कर सकता है और एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट वो भी कर सकता है। अगर आप तीसरा ऑप्शन पे जाओगे यहाँ पे आपको देख पाएगा, यहाँ पे आपको व्यूअर का ऑप्शन मिलेगा कैन सी एवरीथिंग कैन एडिट एनीथिंग, मतलब अब वो आपका चैनल जो है व्यू कर सकता है, एवरीथिंग सी कर सकता है, लेकिन वो एडिट नहीं कर पाएगा। और लास्ट में जो ऑप्शन आता है यहाँ पे आप देख सकते हो कैन सी एनीथिंग एक्सेप्ट रेवेन्यू, मतलब सब कुछ देख सकता है लेकिन आपका रेवेन्यू जो है वो नहीं देख पाएगा। कांट एडिट एनीथिंग मतलब वो आपका कुछ एडिट भी नहीं कर पाएगा यूट्यूब चैनल के अंदर, ठीक है। तो फिर इनमें से आपको कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर बिल्कुल नीचे आपको जो सेव बटन है, सेव बटन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप कुछ भी ईमेल एड्रेस यहाँ पर आपको डाल देना है, वो जीमेल होना ज़रूरी है। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो है सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके बाद आपको सेव कर लेना है। उसके बाद उसके पास जो है ऑप्शन जाएगा और इनवाइट बटन मिलेगा। अगर वो इनवाइट एक्सेप्ट करता है तो फिर आपका चैनल को एक्सेस जो है वो कर पाएगा। तो फिर वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो फिर जरूर लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, मैं जरूर आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।